और उसके बाद ये 10 संकल्प दोहराएंगे। फिर हम, क्योंकि कल से मेडिटेशन सीखेंगे, तो हम सवेरे उठकर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान। बहुत आसान है, छोटे बच्चे भी करते हैं, इतना इजी है। फिर उसके बाद दिन की शुरुआत फिर से वो प्योर पॉजिटिव कॉन्टेंट से, ध्यान। ये 2 समय ध्यान रख लिया, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, 3 महीने के अंदर ध्यान की शक्ति बढ़ती जाएगी। चेंज तो पहले महीने के अंदर ही आना शुरू हो जाएगा। इजी है करना, इजी है करना या नहीं इजी? बहुत इजी है। और जितना आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, परिवार का वातावरण बदलता जाएगा, बच्चे शक्तिशाली होते जाएंगे। बच्चों को शक्ति दे नहीं सकते, खुद शक्तिशाली बनकर वो वाइब्रेशन देनी पड़ेगी। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर। आज सब ने व्रत रखा होगा और आज सब सात्विक खाना खाएंगे। जब भी कोई त्यौहार होता है हम सात्विक भोजन करते हैं, नवरात्रों में हम सात्विक भोजन करते हैं, जब हम दिव्यता और शक्ति का आह्वान करते हैं हम सात्विक भोजन करते हैं। तो क्या हमें दिव्यता और शक्ति सिर्फ साल में कुछ दिन चाहिए या हर रोज चाहिए? तो आपको नहीं लगता हर रोज सात्विक भोजन खाना चाहिए? खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? आज एक संस्कार अर्पण करते हैं, किसी की मृत्यु को अपना भोजन बनाना। क्या वाइब्रेशन होती है उस खाने की, क्या वाइब्रेशन है उस खाने की? हम उसको हेल्थ बोलते रहते हैं, वो हेल्थ नहीं है, वो डेथ की एनर्जी है। और डेथ से पहले कौन सी एनर्जी थी? दर्द था, डर था, दुख था, गुस्सा था, नफरत थी, फिर हिंसा थी, फिर मृत्यु थी। और हमने कहा बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। जैसा अन्न वैसा, जैसा अन्न वैसा मन। उसमें प्रोटीन्स है, उसमें विटामिन्स है, उसमें हेल्थ नहीं है, उसमें हेल्थ नहीं है। प्रोटीन और विटामिन है, हमने सोचा प्रोटीन और विटामिन हेल्दी होते तो हमने उसको हेल्दी बोल दिया। आज तो डॉक्टर भी बताते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण तामसिक भोजन। तो अपने घर में सात्विकता लेकर आइए और सबसे पहले अपने जीवन में लेकर आइए। सिर्फ 3 महीने एक्सपेरिमेंट कीजिए वेजिटेरियन खाना खाकर। सिर्फ 3 महीने एक्सपेरिमेंट कीजिए। सिर्फ मन शक्तिशाली नहीं होगा, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। कौन कौन रेडी आज 3 महीने में एक्सपेरिमेंट करने के लिए? 3 महीने, सिर्फ 3 महीने करना। आपको तो 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा। कर्म मंत्रा है और नॉन वेजिटेरियन डाइट से सिर्फ मन और शरीर पर असर नहीं पड़ता, पर्यावरण पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो डीप साइंस से बन, तो सिर्फ अगर हम वेजिटेरियन की तरफ भी शिफ्ट होते हैं, हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं, हम प्रकृति को बचा रहे हैं। तो हम 3 महीने का आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़, घर का खाना खाएं और घर में परमात्मा की याद में प्रसाद बनाएं। प्रसाद कभी कभी ना बनाएं, अपने हर खाने को प्रसाद बनाएं, तो घर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, लोगों के मन बदल जाएंगे। क्योंकि मन पर प्रभाव रसोई में पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। आजकल बाहर का खाना खाने की बहुत आदत पड़ती जा रही है, ये भी हमारे पिछले 20-25 साल का संस्कार है। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े अपने घर से डब्बा लेकर जाते थे, हम घर में बैठ के डब्बा ऑर्डर करते थे। असर तो पड़ेगा ना। किसने खाना बनाया, कौन से ढंग से वो खाना बना, बनाने वाले का मन कैसा था, वातावरण और वायुमंडल कैसा था, उसकी सोच और संस्कार कैसे हैं, वो सारे उस डब्बे में आते हैं जो घर पहुंचता है। अगर आप बिल्कुल ठीक भी हैं लेकिन बनाने वाला चिंता में था, खाना खाने के बाद आपको चिंता होने लगेगी और आपको पता नहीं चलेगा वो खाने से आई है। तो खाने से इमोशनल इन्फेक्शन आती है,
है। इसीलिए पहले लोग जल्दी जल्दी खाते नहीं थे, कहीं पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। किसी के घर में कले कलेश चल रहा है, अगर आपने वहां पर पानी भी पी लिया तो आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी। तो ये सारी पुराने जमाने की बातें नहीं, ये सारी हेल्दी बातें हैं, ये हेल्दी बातें हैं, ये हमारी सुरक्षा कवच है। तो घर में अन्न बनाए और परमात्मा की याद में बनाए, रसोई में परमात्मा की याद के शब्द चलाएं, भजन चलाएं, प्रवचन चलाएं। वो शब्द जब भोजन में जाएंगे तो परिवार के मन पर अपने आप चले जाएंगे, उनको सुनाना नहीं पड़ेगा, खाने में मिला के भेज दो उनके पास, अपने आप रिश्ते बदल जाएंगे। रिश्ते बदलते रसोई से। और अटेंशन, मन परेशान है तो खाना बनाने जाना नहीं, पहले खा मन ठीक करना, फिर रसोई में जाना, और जो रसोई में जा रहा है उसको डांटना नहीं, क्योंकि अगर वो दुखी हुआ तो वो दुख आपकी दाल में मिलाकर वापस लाएगा 15 मिनट के बाद। बहुत अटेंशन रखना है रसोई में, बहुत अटेंशन रखना है। तो क्या खाना है, कैसे बनाना है, और तीसरा कैसे खाना है, फोन और टीवी के साथ नहीं खाना है। नियम बना लीजिए अपने घर में, फोन टीवी 15 मिनट बंद, नहीं तो वो सारे शब्द खाने के अंदर जा रहे हैं जो टीवी पर चल रहा है सामने। फोन आ गया, बिजनेस की कोई बात कर रहे हैं, सामने खाना पड़ा है, वो सारे शब्द चले गए खाने के अंदर। खाना खाना अपने मन और शरीर की शक्ति के लिए भोजन कर रहे हैं, वो 15 मिनट हमारा समय है। और खाना खाने से पहले क्या करना होता है, खाना खाने से पहले क्या करना होता है, 10 सेकेंड रुककर परमात्मा को शुक्रिया, और उस भोजन में वो 10 संकल्प डाल दीजिए। उस भोजन उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, और जैसा अन्न वैसा मन बनता जाएगा। अपने बच्चों के लिए करना शुरू कीजिए, उनको भी सिखा दीजिए, वो अपने भोजन में डालेंगे। तो सुबह संकल्प रिपीट किए, रात को सोने से पहले रिपीट किए, 3 टाइम खाना खाया, 3 टाइम खाने में रिपीट किए, और जल्दी सिद्धि चाहिए तो पानी में पीजिए, क्योंकि पानी हमारी वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए कहा जाता है कौन से शहर का पानी पीते हो, इसका क्या मीनिंग है, कौन से शहर का पानी पीते हो, मतलब जिस शहर का पानी पियोगे वो संस्कार आ जाएंगे। तो इसीलिए पानी को अमृत बनाइए, भोजन को प्रसाद बनाइए, तो घर स्वर्ग बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। रोज हम सीखेंगे तो राजयोग मेडिटेशन कोई आधे घंटे की चीज नहीं है, राजयोग मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल है जो लाइफ की हर चीज पर प्रभाव डालता है। और खुशी, सिर्फ खुशी नहीं, लेकिन आत्मा में पवित्रता और शक्ति आ जाती है। तो कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा रोज हर सेंटर पर 3 दिन 1 घंटा हम राजयोग मेडिटेशन सीखने का कोर्स रखा है। आप सबके पास ये छोटी सी कार्ड आई होगी, इसको टर्न करेंगे तो इसके पीछे सेंटर के एड्रेस लिखे हैं, और सेंटर के एड्रेस के साथ इसके पास टाइम लिखा हुआ है। कल 3 टाइम रखे हैं आपके लिए, ताकि आप तीनों में से कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, या शाम को 6 से 7, तीनों में से कोई भी एक टाइम। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, या शाम को 6 से 7, और सेंटर के एड्रेस इस काम पर है। हमें क्या करना है, सिर्फ 1 घंटा निकालना है 3 दिन के लिए, उस पीछे के कारण के लिए, उस राजयोग मेडिटेशन को सीखने के लिए, जिससे हमारे वो 5वें फोल्डर के 7 संस्कार रिवॉर्ड हो जाएंगे, जिससे हम हर परिस्थिति में सही सोचेंगे। रेडी निकालने के लिए 1 घंटा, कौन कौन रेडी 1 घंटा निकालने के लिए हाथ उठाइए। तो ये कार्ड अपने पास रखिएगा, जो सेंटर आपके नज़दीक है उसको चूज कीजिए,
और कल से जो टाइम आपको सूट कर जाता है, सबसे अच्छा टाइम है सुबह। तो जो सुबह कर सकते हैं वो सुबह करना चाहिए। सुबह क्या होता है, माइंड एकदम साइलेंट। लेकिन जो सुबह नहीं आ सकते फिर उनके लिए शाम का टाइम है। अगर किसी को तीनों में से कोई भी टाइम सूट नहीं करता तो आप कोई भी टाइम आ सकते हैं। अगर आपको ये तीन दिन नहीं सूट करते तो आप कोई भी दिन कोई भी टाइम आ सकते हैं। अब बहाना दो कि हम क्यों नहीं आ सकते हैं, इससे ज़्यादा चैलेंज कुछ नहीं हो सकता है। हर सेंटर पर मिलने हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए सेवा कम है। हमें सिर्फ क्या करना है, वो एक घंटे का समय निकाल कर सीखने जाना है। आज शिवरात्रि है, प्रतिज्ञा कीजिए कि जीवन ऐसे ही नहीं चलता रहेगा जैसे चलना है। नहीं तो अगर हम 2 साल बाद मिले तो बहुत सारी कुछ और चीज़ें गौर हो जाएंगी। लेकिन खुद को शक्तिशाली बनाकर सिर्फ खुद का भाग्य नहीं बदलना, परिवार का भाग्य बदल के सृष्टि का भाग्य बदलना है। रात्रि खत्म होकर सदियों की सवेरा आना है। इसीलिए कलयुग की रात्रि है, इसीलिए उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। क्योंकि कलयुग की रात्रि में ही निराकार परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान से संस्कार परिवर्तन होता है और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। तो ये दुनिया बहुत समय ऐसा नहीं चल सकती है। सदियों की दुनिया तो आने ही नहीं आने का, फिर आके चलती रहेगी। जब हम यहाँ आए थे तो दिन था, अभी बाहर जाएंगे तो रात है। उसके थोड़े घंटों के बाद घोर रात्रि हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद सवेरा होगा, वो है जागरण। लेकिन वो सवेरा अपने आप नहीं आएगा, वो सत्युग हमें लाना है। कैसे लाना है, अपने परिवर्तन से। तो कल से तीनों घंटों में से कोई एक घंटा चूज करें, अपने मन को कोई बहाना ना देने दें। बोलो ये तो मुझे करना ही करना है, अपने लिए अपने परिवार के लिए। एक जमाना था हम कहते थे हर घर में एक कमाने वाला चाहिए। अगर इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो ये घर कैसे चलेगा। आज वो समय है, हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा तो मुझे पता नहीं वो घर कैसे चलेगा। शक्ति तो अपने घर का वो एक बनेंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर जाकर शक्ति कमाकर घर लेकर आए। वो शक्ति सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की पालना करेगी। एक मिनट सीधा होकर बैठे, अपनी प्रतिज्ञा को पक्का करें और उसके बाद हम मौन रखेंगे कुछ समय, जब तक हम घर नहीं पहुँचते। मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, शब्दों पर संयम लाता है। हर रोज थोड़ी देर मौन रखें। काम पर यहाँ से घर तक मौन में जाने के लिए देते हैं बिल्कुल साइलेंस, जैसे कि फरिश्ते उठ रहे हैं। पुनः अटेंशन लाए यहाँ प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा की संतान हूँ। उसकी सर्वशक्तियाँ
उस आत्मा का अधिकार है। उस परमात्मा का फरिश्ता हो, सबको सुख देने वाला फरिश्ता, आज से प्रतिज्ञा जो खाऊंगा पीऊंगा पढ़ूंगा देखूंगा सुनूंगा सात्विक प्योर शुद्ध हर रोज दिन की शुरुआत ध्यान मेडिटेशन अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तियों को कनेक्ट कर आत्मा को शक्तिशाली बनाना, दिन की शुरुआत ईश्वरीय महावाक्य या सात्विक भोजन ब्रह्म मुहूर्त मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आज मैं आत्मा ये व्रत लेती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि हर रोज थोड़ा सा समय मेरा अपने लिए है, खुद को शक्तिशाली बनाकर परिवार को शक्ति देने के लिए है, जीवन के फाउंडेशन वृक्ष के बीज को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प मजबूत करने के लिए है। मैं सभी पवित्र आत्मा रात्रि पूरी हुई सवेरा मुझ आत्मा को लाना है। वो आज मुझ आत्मा का व्रत है, वो ही जागरण है और वो ही प्रतिज्ञा है। अगले 15-20 मिनट जब तक हम घर नहीं पहुंचते हम मौन में रहेंगे, ताकि सब कुछ जो हमने ग्रहण किया है उसको स्वीकार किया है उसकी चेकिंग और अपने अंदर चेंज